हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर स्पेशल वीडियो। तो गाइस यार, आज के वाले वीडियो है वो बहुत स्पेशल होने वाली है। वो इसलिए कि गाइस आज की वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दो गुड न्यूज देने वाला हूँ। और गाइस पहले तो यार, गुड न्यूज देने से पहले मैं आप लोगों को भाई माफी मांग लेता हूँ। अब वो इसलिए कि गाइस मैं हफ्ते में एक बार वीडियो डालता हूँ, और भाई लास्ट बार तो मैं हफ्ते में एक बार क्या यार वीडियो ही नहीं डाल पाया। नहीं तो भाई मैं संडे सुबह 7 बजे हर रोज भाई वीडियो डालता था, बट गाइस इस संडे को तो भाई नहीं हो पाया, तो सॉरी गाइस। लेकिन गाइस आगे से ऐसा नहीं होगा, वो मैं आप लोगों को पक्का यार वादा करता हूँ। बाकी गाइस यार, जो हमारी गुड न्यूज है वो ये है कि भाई हमारे चैनल पे 50K मतलब कि यार 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके, उससे भी ज्यादा हो गए। तो द गेमिंग फैमिली, आपका बहुत बहुत यार आभार, आप लोगों ने यहाँ तक भाई पहुँचा दिया। ऐसे ही भाई आगे बढ़ते रहे और हमारी फैमिली ऐसे ही भाई फैलती रहे। बाकी तो आप लोगों ने वीडियो स्टार्ट होते ही भाई थोड़ा सा ट्रेलर देख लिया होगा कि भाई मैं थोड़ा सा मोबाइल के बारे में बताना चाहता हूँ। तो गाइस मैंने एक नया डिवाइस लिया है, मतलब कि यार पहले मैं डालता था वीडियो वो डालता था रियलमी नार्जो 30S, जो भाई उसका स्टोरेज भी कम था और भाई रैम भी कम थी, मतलब कि 3/32 थी। और इस फोन में मैं बहुत ज्यादा यार गेमिंग नहीं कर पाता था, क्योंकि भाई उसका स्टोरेज एकदम कम था, यानी कि भाई जल्दी भर जाता था। बट गाइस तुम्हारे भाई ने एक मस्त सा डिवाइस ले लिया है, जिसका नाम है रियलमी C सीरीज का है भाई, रियलमी C55। तो गाइस यार आज की वाली वीडियो के अंदर इस न्यू फोन के बारे में बात करेंगे। और भाई आप लोगों को भी कोई अच्छा सा डिवाइस लेना है वो भी कम प्राइस में, तो आप लोगों को ये मोबाइल खरीदना चाहिए या फिर नहीं, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और साथ ही में साथ भाई इसका प्रॉपर रिव्यू दूंगा। और गाइस यार इसका मैं अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों को नहीं दिखा सकता, वो इसलिए कि गाइस मैंने अनबॉक्सिंग कर दिया था आज से लगभग 2 दिन पहले। तो भाई मेरे को 2 दिन में क्या क्या देखने के लिए मिला है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई बात करते हैं इसके रैम के बारे में। तो इसकी रैम है वो है 8GB, और गाइस जो इसका स्टोरेज है वो 128GB का है। वैसे मुझे फोनों के बारे में मालूम तो नहीं है, बट गाइस मुझे थोड़ा बहुत तो यार मालूम पड़ता है, मतलब कि यार कौन सा डिवाइस कितना होना चाहिए और भाई इस प्राइस में ये कैसा है और कैसा नहीं है, उतना तो भाई मेरे को मालूम है, ठीक है। तो गाइस यार इस फोन की बैटरी की बात करें तो गाइस बैटरी है वो है 5000mAh की, और इसका प्रोसेसर है वो मीडियाटेक का G88 प्रोसेसर है, जो कि भाई ठीक ठाक होता है गेमिंग के लिए। बहुत ज़्यादा भाई हार्ड भी नहीं होता है और बहुत भाई नॉर्मल भी नहीं होता है, मतलब कि यार मीडियम में होता है तो भाई गेमिंग के लिए भी ठीक रहता है। तो गाइस यार इसके जो चार्जर की बात करूँ तो वो 33 वोल्ट का आता है, जो कि भाई एक फास्ट चार्जिंग है, मतलब कि यार मेरी 15% बैटरी थी और मैंने चार्जिंग पे लगाया था और 1 घंटे में भाई मेरी 95% बैटरी हो चुकी थी, मतलब कि यार 1 घंटे और 20 मिनट में तो ये भाई 0 से 100 तक का तो भाई आराम से चार्ज हो ही जाएगा, वो तो भाई मैं गारंटी देता हूँ। बट गाइस थोड़ा दोपहर में यार बहुत सा गर्म होने लगता है, अगर हेवी गेमिंग अगर आप खेलोगे तो भाई थोड़ा सा गर्म होगा, और भाई वैसे भी गर्मी भी यार बहुत चल रही है तो भाई गर्म तो होना बनता है, कोई भी डिवाइस हो कोई भी एंड्रॉइड फोन हो उसमें भाई थोड़ी तो गलतियाँ होती है। तो भाई इसका थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये है कि थोड़ा सा हल्का फुल्का भाई गर्म हो जाता है। और गाइस अब बात करते हैं कैमरे के बारे में, मतलब कि यार आप कोई यार वीडियो बनाते हो, फेस कैम वीडियो बनाते हो या तो फिर फोटो लेते हो, तो भाई इसको भाई कैमरा में ये वन ऑफ द मोस्ट मोबाइल कह सकते हो इस प्राइस में, क्योंकि 65 मेगापिक्सल का भाई कैमरा आता है, जो कि आप लोगों को मस्त क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और गाइस इसका मालूम तो और तो भाई जो सेल्फी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, और गाइस और तो भाई मेरे को ज्यादा कुछ मालूम नहीं। और 2 कैमरे इसके पीछे गाइस वो कौन सा है वो तो भाई मेरे को मालूम नहीं है, बट भाई 2 बड़े बड़े कैमरे पीछे दिए हुए हैं। अगर गाइस यार मेरे से थोड़ी सी भी गलती हो गई तो भाई यार सॉरी, क्योंकि भाई मेरे को मोबाइल के बारे में इतना अच्छा रिव्यू नहीं देना आता है। हाँ भाई गेमिंग के लिए तुम्हारा भाई एकदम बढ़िया है, तो भाई मैं तो इसके अंदर भाई गेम खेलने वाला हूँ, अलग अलग गेम ट्राई करता रहूंगा, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। और गाइस इस मोबाइल के बारे में बात करूँ तो जो इसका 90Hz करके रिफ्रेश रेट आता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इस प्राइस में कह सकते हो आप लोग, क्योंकि भाई 90Hz कोई छोटा मोटा नहीं होता है। फिर एक 60 का भी आता है और एक ऑटो करके भी आता है, मतलब कि आपका फोन भाई ऑटो में भी चल सकता है कि भाई इसको कितना रिफ्रेश रेट चाहिए, वो भी आप लोगों को ये प्रोवाइड करता है। और हाँ गाइस इस मोबाइल के अंदर मैंने हेवी गेम अभी तक ट्राई नहीं किए, मतलब कि यार 1GB या 2GB वाले गेम ट्राई नहीं किए, क्योंकि यार 2 ही दिन में यार मैं क्या ही हेवी गेम ट्राई करूंगा यार, मैंने पूरा डाटा लेने में भाई मेरे को तो 2 दिन लग गए यार, मैंने एक एक चीज भाई ओल्ड मोबाइल से निकाल के इस न्यू वाले मोबाइल में डाल दिए।
और भाई अपना जो स्टोरेज है वो भाई 128 है, वो भाई मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है यार। इस मोबाइल की डिजाइन के बारे में बात करूं तो भाई इसका जो डिजाइन है वो मस्त सा प्रीमियम लगता है और भाई प्लास्टिक का आता है और इसके जो पीछे जो कैमरे वो मस्त लगते है भाई, दिखने में एकदम मस्त सही लगते है। और गाइस इसके आगे जो एक सेल्फी कैमरा है वहां पर एक मिनी कैप्सूल आता है, मतलब कि यार चार्जिंग में आप लगाओगे तो मस्त सा एक एनिमेशन शो होता है। तो गाइस यार इस वाले मोबाइल के प्राइस के बारे में बात करें तो जो इसका 464 वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस है पूरे 11,000 रुपये और जो 664 वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस है भाई 12,000 रुपये और जो गाइस 8128 जो मेरे पास है उस वेरिएंट की भाई प्राइस है वो है पूरे 14,000 रुपये। तो गाइस यार यही था अपना देसी रिव्यू, मतलब कि यार आप लोगों को समझ आए ऐसी भाषा में मैंने आप लोगों को भाई पूरा फोन के बारे में रिव्यू दिया है। एंड गाइस यही था अपना गुड न्यूज, तो आपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना अगर इस प्राइस में उन लोगों को कोई मोबाइल खरीदने का इच्छा है तो भाई उन लोगों के साथ शेयर कर देना। एंड चैनल पे आप लोग नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।